नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राजधानी में दिवाली से पहले घुटन होने लगी है। दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में है। राजधानी के कई लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें हो रही हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि SAFAR के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह ओवरऑल AQI 262 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। सबसे ज्यादा दूषित हवा आनंद विहार की दर्ज की गई। यहां AQI 399 रिकॉर्ड किया गया है। दिवाली करीब है, ऐसे में प्रदूषण के बढ़ने की और ज्यादा आशंका जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली में बम पटाखों पर बैन है, सरकार सख्ती दिखा रही है। नोएडा में 306 AQI दर्ज किया गया, वहीं गाजियाबाद के लोनी में AQI 362 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में 176 AQI तो गुड़गांव के सेक्टर 51 में AQI 370 दर्ज किया गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर बैन लगा रखा है। सरकार लोगों से खुद अपील कर रही है कि प्रदूषण को देखते हुए पटाखे न फोड़े। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की कि दिवाली पर दिया जलाकर त्योहार मनाएं। आप सभी अपना ख्याल रखें और खुशियों वाली दिवाली मनाएं। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।